आइए समझते हैं कि पाकिस्तान में 14 जुलाई 2021 को आतंकी हमला हुआ है। ये आतंकी हमला हुआ है पाकिस्तान के क्षेत्र में हुआ है, और इसमें जो इंजीनियर और पाकिस्तान के जो लोग मरे हैं, ये ऐसा क्या काम कर रहे थे? इनकी जो बस है वो कहाँ जा रही थी? कौन सा बांध का निर्माण कर रहे थे? क्या उद्देश्य है इसका? आइए समझते हैं इन सारी बातों को। दरअसल आप लोगों को याद होगा, पाकिस्तान और चाइना के जो संबंध है वो अच्छे खासे हैं। इसमें पाकिस्तान और चाइना के द्वारा जो उनके इंजीनियर हैं, इंडस रिवर के पास, सिंधु नदी के पास एक डैम स्थित है, उसका नाम है डासू डैम। इस डासू डैम को बनाने के लिए पाकिस्तान चाइना के द्वारा, दोनों के इंजीनियरों के द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है। इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है ना, 4.278 बिलियन है। आप लोग सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। इसे दसू जल विद्युत परियोजना, ये डासू डैम हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। जो ये दसू जो बांध बना रहे हैं, ये पाकिस्तान और चाइना के द्वारा मिलकर बनाया गया सीपैक, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ही हिस्सा है। दरअसल क्या हुआ है दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ स्थान से पाकिस्तानी व्यक्ति, कर्मचारी और चाइना के इंजीनियर बस के अंदर बैठकर उस डैम जो कि बांध का निर्माण हो रहा है उस जगह पर जा रहे थे, और बोला जा रहा है कि सड़क के किनारे आईआईडी, और ये किसी, पता नहीं किसने बस के अंदर बॉम्ब रखा है। अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा है इसके बारे में। जब बस के अंदर विस्फोट हुआ तो ये बस नाले या गड्ढे जैसी ऊंचे दर्रे खाई के अंदर गिर जाती है, जिसके कारण से इस तरह के 4 चीनी इंजीनियर और 8 लोगों सहित यहाँ पे मौत हो जाती है। ये आंकड़ा अभी पूर्णतः सही नहीं है, इसमें कुछ लोगों के द्वारा 12 लोगों की डेथ भी बताई जा रही है और कुछ लोग घायल हुए हैं इसके अंदर। जय हिंद जय भारत।